आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। राजद के बागी ने थामा जन अधिकार पार्टी का दामन। पूर्व प्रत्याशी सोना पासवान होंगे बनमनखी विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार। जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार संजीव कुमार उर्फ सोना पासवान ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि मैं लगातार 10 वर्षों से राजद में रहकर पार्टी के लिए लालू जी के विचारधाराओं से युवाओं, मजदूर, किसानों, दलितों को जोड़ने का काम किया था। मैं पहले भी बनमनखी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर रहा, लेकिन जब चुनाव आया तो किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट देकर मेरे पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। अगर बनमनखी के लोगों को उम्मीदवार बनाया जाता तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंका है, इसलिए मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। हम पिछले 10 साल से लालू जी के विचारधारा पर चल के और बनमनखी विधानसभा क्षेत्र में जन जन तक विकास के वादा को और विकास करने के बातों पर मेहनत करने का काम, युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, दलित, शोषित, पीड़ितों को लालू जी के विचारधारा से जोड़ने का काम। लेकिन येन वक्त पर जब चुनाव की समय आई, पिछले 10 वर्षों से हमने राष्ट्रीय जनता दल के लिए संगठन का काम किया और युवाओं को राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा से जोड़ने का काम किया, और चुनाव के समय में हमको दूध के मक्खी के तरह निकाल कर फेंक दिया, और हम पिछले कई महीनों से, कई सालों से ये कहते आए थे कि हम लालू जी के विचारधारा पर चलते हैं और लालू जी का जैसा आदेश होगा, उनका जैसा निर्देश होगा, हम वैसे चुनाव लड़ेंगे। अगर हमको चुनाव लड़ने का आदेश मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं आदेश मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज जो चुनाव लड़ने की मुसीबत आई, अगर बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के किसी कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में टिकट देकर अगर भेजा जाता तो आज हम चुनाव में नहीं आते, और जो भी कैंडिडेट होता महागठबंधन का, हम उनके साथ प्रचार करके उनको चुनाव जिताने का काम करते। लेकिन इस इलाके का, इस क्षेत्र का कार्यकर्ता को दूर रखा गया, कहीं ना कहीं अनदेखी किया गया, और बाहर के लोगों को पैराशूट सिस्टम से इस क्षेत्र में ला करके थोपा गया, जो इस क्षेत्र के जनता को, इस क्षेत्र के कार्यकर्ता को, इस क्षेत्र के मतदाता को स्वीकार नहीं है। और ऐसी स्थिति में यहाँ के मतदाता के एक ही मांग था कि यहाँ के स्थानीय विधायक 15 वर्षों से शासन कर रहे हैं और उसके शासन से कोई भी खुश नहीं है, कोई विभाग में उसका सुशासन नहीं है, सब जगह भ्रष्टाचार दिख रहा है, चाहे वो अनुमंडल चले जाइए, प्रखंड चले जाइए, थाना चले जाइए, स्वास्थ्य में चले जाइए, आप रोड से गुजर जाइए, चाहे शिक्षा की दिशा में चले जाइए, कोई विकास की बात नहीं है। इसलिए 15 वर्षों से इस क्षेत्र का जनता त्राहिमाम है, उससे आजीज हो गया है, बदलाव चाहती है, और ये ऐसी स्थिति में लोगों का कहना था कि हम लोग परिवर्तन लाएंगे, और परिवर्तन तब लाएंगे जब उस लायक हम लोगों को विपक्ष में उम्मीदवार मिलेगा। लेकिन विपक्ष भी ऐसा उम्मीदवार को लाकर खड़ा कर दिया जो अब लोग मजबूर हो गया कि हम लोगों के लिए बाहरी कैंडिडेट कतई पसंद नहीं है। दूसरी बात, ये जो 15 वर्षों से काम कर रहा है ये भी पसंद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सभी कार्यकर्ता, सभी नौजवान का कहना हुआ कि आप निर्दलीय लड़िए या किसी पार्टी से लड़िए, उससे मतलब नहीं है, हम लोगों को बनमनखी का बेटा चाहिए, बनमनखी का पुत्र चाहिए, जो हम लोगों के साथ जीत कर और हार कर भी हम लोगों के बीच रहे, ऐसे लोगों को हम लोग वोट देंगे और आपको जैसे चुनाव लड़ना है लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। ऐसी परिस्थिति में हमने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और आदरणीय सीमांचल के पुत्र पप्पू यादव जी के आशीर्वाद से मैं अभी चुनावी मैदान में आया हूं, बनमनखी पहुंचा हूं और अपार समर्थन मिल रहा है। मैं बहुत जल्दी चुनाव की नामांकन की तारीख की घोषणा करने जा रहा हूं, जैसा कि समय फिक्स होगा आप लोगों को जानकारी होगी, और चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर लिया गया। आप
देख रहे हैं SGN News, खुलने की बात आपके साथ।